मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मानधाता के सुलगांव की सभा में कहा, मामा अच्छा है कि कमलनाथ, यदि मामा अच्छा है तो 3 नवंबर को कमल के फूल की बटन दबाना है। मानधाता को प्रतिष्ठा की लड़ाई बनाकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान चौथी बार मानधाता के चुनाव रण में उतरे। उन्होंने किसानों, गरीबों, नौजवानों, माता बहनों, बुजुर्गों की योजनाओं को सिलसिलेवार गिनाकर जनता का समर्थन मांगा और कहा कि प्रदेश में मामा को मुख्यमंत्री देखना चाहते हो तो नारायण पटेल को वोट देकर भाजपा को जिता देना। मैंने प्रदेश में सरकारी नौकरियों से प्रतिबंध हटा दिया, प्रदेश बेटा बेटियों को अब सरकारी नौकरियां मिलेगी। खंडवा जिले में कोई भी कारखाना लगेगा तो उसमें 75% लोकल लोगों को रोजगार देना पड़ेगा। कमलनाथ विकास विरोधी है। मुंडी से शाहरुख मंसूरी की रिपोर्ट। रोज मुझे गाली दे रहे, रोज नए नए शब्द गढ़ रहे। पहले मुझे कहा कि ये नालायक है, नालायक। अरे सुलगांव वालों में आपको नालायक लगता हूं क्या? फिर कहने लगे मुख्यमंत्री तो नारियल लेके चलता है। बेटा नारियल लेके नहीं चलू तो क्या शैंपेन की बोतल लेके चलू भैया? लेकिन मैंने मुख्यमंत्री रहते हुए मेरी बहनों और भाइयों ये तय किया कि किसान को 0% ब्याज पे कर्जा दूंगा। और तुम सेठ कमलनाथ, तुमने 0% ब्याज का कर्जा देना बंद कर दिया और अब मैं 18% पे दिया। तुम सेठ, मैं नंगा भूखा। एक सुन लो मेरे किसान भाइयों, डंके की चोट पे 0% ब्याज पे कर्जा दूंगा, कोई चिंता मत करना। ये सेठ हम कभी नहीं, हमने तय किया। सिंगा जी की पवित्र भूमि को तीर्थ स्थल घोषित करने की मांग की, उनने नहीं की। ढेला दिया भैया तुम्हें बताओ। कमलनाथ कहते थे कुछ नहीं है, चलो 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 चलो, तो परेशान हो गया दादा नारायण। इनने भी फिर कह दिया कमलनाथ से, चलो 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 हम भी चलो। अब ये काम बता रहे, मैं काम कर रहा हूं। आप बताओ, अगर हम सिंचाई के बांध बनाएंगे तो नारियल फोड़ेंगे कि नहीं फोड़ेंगे भैया? अरे बताओ, फोड़ेंगे कि नहीं फोड़ेंगे? सड़क बनाएंगे तो नारियल फोड़ेंगे कि नहीं फोड़ेंगे? कॉलेज खोलेंगे तो नारियल फोड़ेंगे कि नहीं फोड़ेंगे? अब तुमने तो ढेला नहीं दिया, विकास का काम किया ही नहीं। अब 7.5 साल तुम मुख्यमंत्री रहे, किस्मत ही फूटी थी, हम क्या करें? नारियल फोड़ना तुम्हारी किस्मत में नहीं था। काम तो किसान के घर पैदा हुए, कच्चे घर में पैदा हुए। हमारी तो नार भी गई गड़ी है, नार तुम्हारी कहां गड़ी? कमलनाथ तुम कहां से आए हो? तुम्हारा तो बता दो। फिर कहने लगे, अभी एक नेता दिल्ली से आए कांग्रेस के, बोले कमीना है कमीना। मैं कहा धन्य रे कांग्रेसियों, और कुछ बचे नहीं तुम्हारे पास सिवाय कमीना कहने के। लेकिन मुझे जवाब दो, आज सुलगांव की जनता के बीच में शिवराज सिंह चौहान जवाब मांगता और हिसाब मांगता है। मैं कमलनाथ और डाल दे जल्दी तो 4,000 डाल के हमने पूरे कर दिए, 10,000 बताओ अच्छा किया कि नहीं किया? अब सेठ परेशान है, पूछ रहे थे मैंने क्या पाप किया? तुमने यही तो पाप किया, किसान के पैसा खा गए। तुम्हारे क्या बिगड़ता था कमलनाथ? 10,000 रुपया मिलेगा, सुनो ये तो सगुन के हैं। जरा खजाने में और तो पैसा आने दो, कसर नहीं छोड़ूंगा किसान भाइयों, कसर नहीं छोड़ूंगा। हमसे कहने लगे कि मुख्यमंत्री तो घुटना टेक है, क्योंकि मैं जनता को शीश झुका के प्रणाम करता हूं। मैं क्या, सुन लो रे कांग्रेसियों, एक बार नहीं 1,00,000 बार भी जनता को घुटना टेक के दंडवत करके प्रणाम करना पड़े तो करूंगा, क्योंकि जनता ही मेरी भगवान है। तुम जनता को पांव तले रौंदते हो, हम जनता को भगवान मान के प्रणाम करते हैं। और उसने तो अपनी जनता के लिए इतनी योजना बनाई। फिर कहने लगे नंगा भूखा है। अरे हम क्या कमलनाथ जी, हम तो जैत के हैं रे, सीहोर जिले की बुदरी तहसील के, कच्चे घर में पैदा हुए, क्या संदेह, किसान के बेटा है।
ये चुनाव नारायण पटेल शिवराज सिंह जी का भी नहीं है ना भाजपा का है, ये चुनाव आप सबका है, बच्चों के भविष्य का है। अगर भारतीय जनता पार्टी जो जीतेगी तो किसानों के लिए प्रधानमंत्री जी 6,000 रूपये दे रहे हैं और 4,000 रूपये शिवराज जी, 1 एकड़ का भी किसान है तो उसको हर साल 10,000 मिलेंगे, जबकि 10,000 की फसल ही नहीं होती उसकी। और अगर उसके 4 लड़के हैं तो 4 हिस्से हो गए, अगर शादी हो गई उनकी तो चारों को 10,000 मिलेंगे, 40 और दादा को और 50, 1 एकड़ वाले को भी 50,000 रूपये हम देंगे, उसकी गरीबी दूर हो जाएगी, वो हमेशा के लिए कर्ज मुक्त हो जाएगा, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएगा। अगर कमल का फूल खिलेगा तो ये योजना जारी रहेगी, और कहीं खूनी पंजा आ गया तो वो योजना को मार डालेगा, जैसा कि 15 महीने में कमल। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।